हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस किचन। आज की रेसिपी है कोकोनट चटनी और टोमेटो चटनी, नारियल की चटनी जो कि एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेसिपी है, और साथ में टमाटर की चटनी जो कि आप डोसे के साथ, वड़े के साथ, इडली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए इसके इन्ग्रीडियंट समझ लेते हैं। सिंपल और क्विक रेसिपी है। इसके लिए लेना है फ्रेश कोकोनट जो कि मैंने काट लिया है। ये आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, चना दाल जो कि मैंने 4 घंटे भिगो दी है, आप ओवरनाइट सो कर सकते हैं, पिंक सॉल्ट, नमक, और ये राई ली है मैंने, उड़द दाल और 2 सूखी मिर्च। अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। मिक्सी का जार लेंगे, इसमें नारियल जो काट के रखा है इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, साथ में चने की दाल जो मैंने 4 घंटे भिगो के रखे थी, अच्छे से धो के इसको मैंने निकाल लिया है पानी से, इसको ऐड कर लूँगी मैं। और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी नमक, स्वाद अनुसार आप लें। हरी मिर्च 2 मैं ले रही हूँ, जनरली इसमें 6 से 7 हरी मिर्च पड़ती हैं, तो आप अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा लें। अदरक मैंने इसमें डाली है 7 से 8 पीस कटे हुए। अब इसे ब्लेंड कर लेना है एक बार, और ये मैंने ब्लेंड करके निकाल ली है। आप इसमें पानी आवश्यकता अनुसार डालें, 6 से 7 टेबल स्पून इसमें पानी पड़ेगा। तो अब इसका तड़का बना लेते हैं। इसके लिए ये मैंने ऑलिव ऑयल गरम किया है। अब इसमें राई, उड़द दाल जो ली थी ये सिंपल ऐसे ही दाल ले ली है, इसको सोक नहीं करना है, भिगोना नहीं है। ये हमें फ्राई कर लेनी है जब तक कि इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो थोड़ा सा बच्चों को, घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनको दूर रखें इस प्रोसेस से, क्योंकि राई है पैन से थोड़ा सा चटक के बाहर आती है, तो बहुत ही सावधानी से। अब इसमें जाएंगे हींग डालूंगी मैं, इसमें 1/2 टीस्पून हींग, तो जैसा कि आप देख रहे हैं पैन में ये गोल्डन ब्राउन कलर ले लिया है उड़द दाल ने और राई ने। अब इसमें करी पत्ते और सूखी मिर्च में डाल रही हूँ, तो इसमें अगर आप करी पत्ते सुखा के रखते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। और इस तड़के को मैं डाल दूँगी अपनी कोकोनट चटनी में, और रेडी हो गई। क्विक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। पानी आप इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से मिला सकते हैं इसमें, और ये बनके तैयार है नारियल की चटनी। और अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है टमाटर चटनी। इसके लिए मैंने उड़द दाल ली है 1.5 टीस्पून, चना दाल 1.5 टीस्पून, मिर्च, थोड़े से मैंने मेथी दाने लिए हैं 1/4 टीस्पून, क्योंकि ये बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, इनका थोड़ा सा यूज़ करना है। गार्लिक लिया है, लहसुन छील के 2 कली, हल्दी ली है थोड़ी सी 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा नमक लिया है, पिंक सॉल्ट, और थोड़ा सा ऑयल फ्राई करने के लिए। इसमें तड़के की सामग्री समझ लेते हैं। तड़के में जाएगी राई, उड़द दाल, करी पत्ता, ऑयल और हींग थोड़ी सी, और टमाटो चटनी है तो टमाटर ये 2 मीडियम साइज़ के बढ़िया लाल लाल टमाटर मैंने काट के लिए हैं। तो पहले इसके लिए जिस पैन में नारियल चटनी का तड़का बनाया था उसी पैन में टमाटर की चटनी बनाएंगे। ऑयल डाल देती हूँ मैं, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। ये भी क्विक रेसिपी है। ये चटनी मैं अक्सर बनाती हूँ चीले के साथ, कभी बेसन का चीला या आटे का चीला आप बनाते हैं उसके साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है खाने में। उड़द दाल मैं इसमें डाल देती हूँ, चना दाल
और मेथी दाने जो लिए थे। तो इसमें जो चना दाल यूज़ हो रही है वो ड्राई चना दाल है, सिर्फ धो के मैंने यूज़ की है, ये भीगी हुई नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो अक्सर जल्दी में सुबह की भागदौड़ में अगर आप इडली खाना पसंद करते हैं, जैसे ओट्स इडली वगैरह घरों में बनती है, तो हर समय सांभर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इडली और चटनी पर्सनली मेरे घर में भी खा के हम लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। ये मैंने लहसुन, हल्दी और लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है। ध्यान रखें लहसुन को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, एक बार नमक मिला लेती हूँ। उसके बाद इसको ढक के पका लेना है 5 से 6 मिनट। थोड़ी सी मैं इसमें कश्मीरी मिर्च, जो रंगत वाली मिर्च होती है, देगी मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। एक बार फिर से इसको मिला लेती हूँ। बस इसको ढक के पका लेना है थोड़ी देर। तो ये चटनी बनके तैयार है, पक्के रेडी है। अब इसको मिक्सी में पीस लेना है। इसमें थोड़ी सी शुगर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर की एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए और चटनी के टेस्ट को बैलेंस मिलाने के लिए। बस इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है और इसे मिक्सर में पीस लेना है। गैस मैंने बंद कर दी, इसे साइड में रख देती हूँ। और अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो ये चटनी मैंने पीस के रेडी कर लीजिए, देखिए इस तरीके से तड़का बना लेते हैं। रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन हिट करें, रेसिपी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल जॉयस किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक मैंने रेसिपी के ऊपर दे रखा है, उस पर क्लिक करें। और यूट्यूब चैनल में और भी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हैं, वो आप देख सकते हैं। तड़के का सारा सामान मैंने राई, उड़द दाल, करी पत्ता और हींग डाल दी है, और तड़का बन के रेडी है। इसको डाल लेते हैं अपनी टोमेटो चटनी में। ये देखिए चटनी कलर कितना सुंदर आया है। तो सुबह की भागदौड़ में फटाफट आप ये चटनी बनाएं और पूरी फैमिली को सर्व करें, खुद भी एंजॉय करें। बहुत जल्दी बनती है, क्विक रेसिपी और बहुत टेस्टी बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जॉयस किचन।